हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक शॉपिंग कार्ट को पीएचपी में कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर चार आइटम्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, बैग 1, 2, 3, 4 और ये एक कार्ट का बटन, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक अलर्ट दिखा हमें, आइटम एडेड, इसको ओके किया हमने तो हम वापस आ गए अपने इसी पेज पर। अब माई कार्ट वाले पेज पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा आइटम आ गया है, उसका नाम, प्राइस, सीरियल नंबर, क्वान्टिटी, रिमूव बटन, प्लस टोटल प्राइस कितना हमें पे करना है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। होम पे क्लिक करेंगे हम वापस आ जाएंगे अपने इंडेक्स पेज पर, ठीक है। यहाँ पे बैग टू को ऐड कर दिया मान लीजिए हमने, ठीक है, तो यहाँ पे दिख आ रहा है आइटम एडेड। अब माई कार्ट पर वापस चलते हैं तो देखिए सेकंड आइटम आ गया और टोटल प्राइस भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी वगैरह भी घटा बढ़ा सकते हैं। रिमूव बटन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आइटम रिमूव्ड, ठीक है, ओके किया, वापस आ गए तो देखिए आइटम क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया है। एक और आइटम को अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ पर हमारे पास रिमूव बटन है, इस पर फिर से हम क्लिक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रिमूव हो गया है, यहाँ पे टोटल प्राइस दिखा रहा है 0, ठीक है। वापस होम पेज पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। अब इसकी कोडिंग शुरू करते हैं कि देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको ओपन करना है जैम कंट्रोल पैनल और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपाची मॉड्यूल जो कि यहाँ पर स्टार्टेड है, ठीक है। उसके अलावा MySQL सर्वर वगैरह को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डेटाबेस यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, ठीक है। इसके अलावा इन सब में से किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करना सिवाय अपाची के। फिलहाल हम यहाँ पे जैम के अंदर ही हैं, ठीक है, htdocs फोल्डर के अंदर जिसमें हमने लर्न नाम की एक फ़ाइल बना कर रखी है। अगर आप वापस आएंगे तो देखिए जैम के अंदर htdocs, ठीक है, इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को रखते हैं। तो एक हमने नया प्रोजेक्ट बना लिया है लर्न नाम का जिसके अंदर हम सीखेंगे कि शॉपिंग कार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर इमेजेस रखी हुई है हमने इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जो कि हम अपने लेआउट में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम राइट क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा जो फोल्डर है लर्न नाम का वो खुल गया है विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पर कंट्रोल बी दबाएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड से पैनल खुल गया, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर हमें एक फ़ाइल चाहिए सबसे पहले, तो एक फ़ाइल ले लेंगे हम index.php जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स के आइटम रहेंगे जो कि आपने देखे थे। दूसरी फ़ाइल हम ले लेंगे mycart.php, ठीक है, जिसमें हमारे कार्ट के आइटम रहेंगे। यहाँ पर हम एक और फाइल लेंगे header.php, इसके अंदर हम नेविगेशन बार को रखेंगे। अब नेविगेशन बार को इसमें क्यों रखा जा रहा, क्योंकि देखिए नेविगेशन बार कॉमन था इंडेक्स पेज और माई कार्ट पेज में, ठीक है। तो अगर हम इसकी कोडिंग एक ही पेज में करके दोनों फाइल में इंक्लूड करा दें तो बेहतर रहेगा ना। नेविगेशन बार की कोडिंग एक बार की लेकिन इंक्लूड दोनों में करा दिया हमने। तो अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो के साथ बने रहिए, अभी जो हम आउटपुट दिखाएंगे आपको इसका प्रैक्टिकली करके तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेविगेशन बार बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और लिखेंगे Bootstrap 5। यहाँ पर हमें Bootstrap 5 का पहला लिंक मिल गया है। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा डॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो स्टेबल वर्जन है version 4.5, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन खुल गया है हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी CDN को कॉपी करेंगे CSS की, ठीक है। CSS की जो CDN है जिसकी हेल्प से हम Bootstrap को यूज़ कर पाएँ, ठीक है, उसके अंदर के जो कंटेंट वगैरह हैं उनको यूज़ कर सके अपने लेआउट में, उसके लिए हम CDN को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा HTML और इसकी :5 और इसकी बॉयलर प्लेट मंगा ली हमने, यहाँ पर इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिंक को पेस्ट कर दिया है। इसके बाद लिंक टैग पेस्ट करने के बाद क्या होगा, अब हम इस हेडर में, ठीक है, Bootstrap के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको यूज़ कर सकेंगे। टाइटल टैग हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पर वापस और एक नेविगेशन बार को यहाँ पर लाकर रखते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, एक सर्च बार दिया है हमारे पास, ठीक है, इस पर लिखेंगे नैव बार क्लिक कर एंटर किया हमने तो देखिए ये लिंक खुल गया, ठीक है। इस पेज पर हमें एक नैव बार मिल रहा है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद लेआउट पर चल के इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सेव करके इसका आउटपुट देखना है। आप बस इसका आउटपुट देख लीजिए फिलहाल। इसको हम खोल लेते हैं localhost/learn/header.php। तो यहाँ पे देखिए हेडर में हमारा नैव बार आ गया, ठीक है। तो जैसा कि आउटपुट हमें जो है वेबसाइट पर मिल रहा था हमारे Bootstrap की, वैसे ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब हम अननेसेसरी चीज़ों को हटा देते हैं, यानी कि बाकी के लिंक्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है हम उनको हटा देंगे। जैसे ये वाला एलआई टैग, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक एलआई टैग ये वाला है ड्रॉप डाउन के साथ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये डिजेबल लिंक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो देखिए सिर्फ होम वाला लिंक बचा है हमारे पास और बाकी ये बचा है हमारा बटन और ये जो है इनपुट टैग।
यहाँ पे जो होम टैग के बाद स्पैन टैग लगा हुआ है इसको पूरा हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एंकर टैग के अंदर सिर्फ होम टैग लिखा होना चाहिए, मतलब सॉरी होम लिखा होना चाहिए। अब इस फॉर्म टैग को हटा देते हैं पूरे को। यहाँ पर हमें चाहिए एक डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर हम रखेंगे सिर्फ एक एंकर टैग, इसके अंदर हम लिख देंगे माई कार्ट और ब्रैकेट में लिख देंगे ज़ीरो, यानी कि इसके अंदर फिलहाल क्या है, ज़ीरो आइटम्स। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे तो इसके अंदर हम शो करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंकर टैग पे स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्लासेस। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू क्लास एक दे देंगे btn, इससे क्या होगा ये बटन के शेप में आ जाएगा, ठीक है। और एक लिख देंगे बटन डैश आउटलाइन डैश सक्सेस, ठीक है, ये ग्रीन कलर का एक बटन बन जाएगा। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो रिफ्रेश किया तो देखिए ये ग्रीन कलर का एक आउटलाइन वाला बटन आ गया हमारे पास जिसमें लिखा है माई कार्ट ज़ीरो। अब यहाँ पे वाई को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर HREF की वैल्यू हम दे देते हैं माई कार्ट डॉट PHP, यानी कि जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, माई कार्ट वाला पेज। और यहाँ पर होम वाले पे हम दे देते हैं इंडेक्स डॉट PHP, यानी कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स वाला पेज खुलेगा। तो अब इसको देख लेते हैं फिलहाल आउटपुट। रिफ्रेश किया, होम पे क्लिक किया तो इंडेक्स वाला पेज देखिए ओपन हो गया। तो इंडेक्स वाला पेज तो पहले से ही ब्लैंक था, उसमें कुछ था तो है नहीं। तो हम चाहते हैं कि इंडेक्स वाले पेज पे ये नेविगेशन बार आ जाए, यानी कि ये जो हेडर वाली फ़ाइल है वो पूरी आ जाए। तो हम लिखा यहाँ पे PHP इंक्लूड। अब इंक्लूड के अंदर जो भी फाइल इंक्लूड करनी है उसका नाम, तो हमने कहा हेडर डॉट PHP को इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स वाली फ़ाइल है उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगी, हेडर डॉट PHP। तो देखिए अब इंडेक्स वाले पेज पे हेडर वाली फ़ाइल का जो पूरा कंटेंट था वो लिख कर आ गया, ठीक है। अब इंक्लूड करने से हुआ क्या, हेडर फाइल के अंदर जितनी भी, मतलब ये जो हेडर वाली फ़ाइल है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, लिंक टैग या कंटेंट जो कुछ भी था, सब कुछ सारी कोडिंग कहाँ आ गई, हमारे इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है। अब हमें इसका कोई काम नहीं था तो हमने इसको हटा दिया। अब माई कार्ड पर क्लिक करते हैं। माई कार्ड पर क्लिक किया तो देखिए ये भी हमें ब्लैंक दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंक्लूड करा लेंगे हेडर वाली फ़ाइल को। तो इसको करेंगे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, इसको पेस्ट कर दिया माई कार्ट वाली फ़ाइल पे। अब दोनों फाइल पे हमारे क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंडेक्स वाले पेज पे हम वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, यानी कि एक जगह पे कोडिंग करने के बाद हमने दोनों जगह इंक्लूड कर दिया फ़ाइल को, ठीक है। तो हम आपस में इन दोनों पेजेस पे स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडेक्स वाले पेज पे आगे कोडिंग करेंगे तो बॉयलर प्लेट हमने ले ली है और यहाँ पर टाइटल दे दिया है इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक डिव चाहिए होगी जिसकी क्लास होगी कंटेनर। अब इसके अंदर हम एक डिव लेंगे जिसकी क्लास होगी रो, यानी कि एक कंटेनर जिसके अंदर एक रो देंगे हम, पहली रो। अब इसमें हमें चार कॉलम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें चार डिव चाहिए होगी। तो पहले डिव जिसकी क्लास होगी कॉल lg-3, ठीक है। तो ये तीन लेवल की स्पेस या तीन विथ की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो स्पेसेस कितनी ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पर एक कार्ड लगा कर देख लेते हैं क्योंकि हमें आइटम्स को इंपोर्ट करना ही है यहाँ पे। तो ये कार्ड हमें अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं कि इसको यूज़ करना। तो इसकी कोडिंग कॉपी कर लिया हमने और इधर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। अब इंडेंट के बाद इसको थोड़ा सा स्पेसेस दे देते हैं, ये सही जगह पर आ जाए, ठीक। अब इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टाइल लगा हुआ है, ठीक है, ये विथ दी हुई है रैम में। तो हम विथ हटा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कॉल LG3 कितना है, ठीक है। तो पहला कॉलम देख लेते हैं पहले, इसको किया हमने रिफ्रेश तो देखिए कार्ड हमारा यहाँ पे आ गया। इधर जो लेफ्ट साइड स्पेसेस छूटी हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड स्पेसेस छूटी रहेंगी अभी, ठीक है। तो वो कंटेनर की वजह से हो रहा है। और आपने कुछ वेबसाइट्स देखी भी होंगी कि लेफ्ट और राइट साइड स्पेसेस छूटी रहती हैं थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। और रो का मतलब होता है कि ये पहली रो जिसके अंदर सारे आइटम्स आएंगे, क्योंकि जितने भी अभी आइटम्स आएंगे वो एक रो के अंदर रहेंगे। तो उस रो में एक कॉलम चाहिए हमें जिसकी विड्थ होगी अभी के लिए 3, लार्ज डिवाइसेस में होगी 3, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब कार्ड में थोड़ी सी जो है CSS अप्लाई कर लेते हैं या फिर बाकी एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज के अंदर एक SRC दे देते हैं, यानी कि अपनी इमेज का नाम। हमने कहा इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज है 1.jpg, तो उसको एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट कर दो या शो कर दो, डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट दिख रहा है, यानी कि हमारा जो आइटम वाला कार्ट है वो ऐसा दिख रहा। अब इसमें बाकी चीज़ों को हम एडिट कर लेते हैं, जैसे कि कार्ट टाइटल हो जाएगा और अंदर का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा।
यहाँ पर हम H5 वाले टैग के अंदर लिख दिए थे bag 3, और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग में प्राइस दे देते हैं। मान लेते हैं प्राइस है इसका 450। तो इसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इन सभी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, यानी कि ये बटन, ये हमारा प्राइस और bag 1 जो लिखा हुआ है ये सब। तो यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, क्योंकि इन सभी डेव के अंदर जितने भी आइटम्स हैं हमें सेंटर में चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा हमें। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो एंकर टैग है उसको देख लेते हैं। इस एंकर टैग को हटाना है हमें, हमें चाहिए बटन टैग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बटन के बाद इसको हम गो एनीवेयर को लिख देंगे ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट बटन है हमारा, यानी कि जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो आइटम कार्ट में ऐड हो जाए। और यहाँ पे इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसको हम कर देंगे BTN Info। और इस बटन का जो टाइप है वो हो जाएगा सबमिट, यानी कि ये क्या करेगा, एक सबमिट टाइप का बटन है फॉर्म को सबमिट करने वाला। रिफ्रेश किया, देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिला हमें, ठीक है। अब बात आती है कि ये सबमिट किसे करेगा, क्योंकि बटन टैग तो फॉर्म टैग के अंदर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यही पूरा हमारा एक फॉर्म टैग के अंदर में रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा डिव है, जिस जो कार्ड वाला है डिव, ठीक है, ये पूरा फॉर्म टैग के अंदर रहेगा, जिससे इस बटन को जब हम क्लिक करें तो फॉर्म की सारी डिटेल सबमिट हो जाए। कार्ड वाली डिव से पहले, यानी कि वो डिव जिसकी क्लास है कार्ड, इससे पहले एक फॉर्म टैग लेंगे। और ये जो कार्ड वाली डिव जहाँ पे भी बंद हो रही है, ठीक है, जहाँ पे ये क्लोज हो रही है, उसके बाद जस्ट एक फॉर्म टैग क्लोज कर देंगे, ठीक। इससे क्या होगा, ये पूरा जो डिव है हमारा, ये कार्ड है, ये एक फॉर्म टैग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा सबमिट होगा। अभी के लिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि फॉर्म का जो डेटा होता है वो इनपुट टैग से उठाया जाता है, और यहाँ पे कोई भी इनपुट टैग नहीं है। तो देखिए बटन पे क्लिक करने पे फॉर्म सबमिट हो रहा। अब हम करेंगे क्या कि इस फॉर्म टैग के अंदर कहीं पे भी एक इनपुट टाइप हिडन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम बटन के टैग के बाद, ठीक है। तो बटन टैग के बाद एक इनपुट टैग जिसका टाइप होगा हिडन, यानी कि ये दिखेगा नहीं। अब इसमें हम क्या देंगे, इसका नाम दे देंगे, हम एक नाम दे देंगे आइटम नेम, और इसकी वैल्यू में दे देंगे आइटम का नाम, यानी कि bag 1। अब देखिए होगा क्या, अब इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया और ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर के URL बार में आइटम नेम इज इक्वल्स टू bag 1, ठीक है। अब जो इनपुट डेटा है, यानी कि जो इनपुट टैग का डेटा है, वो सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन के जैसा एक और इनपुट टाइप हिडन लेंगे, जिसमें नाम दे देंगे हम प्राइस, और वैल्यू में दे देंगे उसकी ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 450। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग को, या फिर एक काम करते हैं इस पूरी कॉलम को कोलैप्स कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक और कॉलम चाहिए जिसकी विड्थ जो होनी चाहिए ये 3 ही होनी चाहिए, मतलब कॉल LG 3, ठीक है। एक और जो हमारा प्रोडक्ट आइटम है वो आ जाए। तो इसको रिफ्रेश किया तो देखिए, ठीक है, एक रो के अंदर एक और कॉलम आ गई, 3 लेवल स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली, और इसमें भी क्या है, कार्ड है। अब इस कार्ड की जो डिटेल है उसको हम एडिट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप जो जिसका नेम है, ठीक है, नेम को हमने bag 2 दे दिया, और इनपुट जो प्राइस था उसको 650 कर दिया, और यहाँ पे ऊपर भी यही सेम काम किया है, हेडिंग में सेम चीज़ दे दी, ठीक है। अब ऐसा ही हमें एक और कॉलम चाहिए, ठीक, जिसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक। तो हमें तीसरा कॉलम मिल जाएगा, और इसके अंदर क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट आइटम। अब इसकी भी जो डिटेल्स वगैरह हैं उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे प्राइस, बैग का नाम, यहाँ पे प्राइस मॉडिफाई कर लिया, और इधर भी वैल्यू में बैग का नाम। आई होप आपको ये पता हो कि इनपुट टैग के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी होती है उसी की हेल्प से हम वैल्यू को, उस इनपुट टैग की वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनपुट टैग को एक नेम दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए तीसरा आइटम भी आ गया है हमारा। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा हेडिंग टैग है उसके अंदर आइटम नेम देने से और उसमें नेम प्रॉपर्टी लगाने से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो इनपुट फील्ड्स यहाँ पे देना ज़रूरी है। बाकी एक और कॉलम ले लेते हैं यहाँ पर हम, चौथा कॉलम हमारा, चौथा आइटम जिसके अंदर होगा, और इसकी डिटेल को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, इसका नाम, प्राइस, इनपुट टैग के अंदर इसका नाम और प्राइस। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने पेज रिफ्रेश किया तो bag 4 भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक रो के अंदर 4 कॉलम, जिसमें हमारे 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। फॉर्म्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी को हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक तरह का फॉर्म है ये, जिसका डेटा सबमिट हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर टैग के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे MT5, यानी कि मार्जिन टॉप 5,
ठीक है, देखिए ऊपर की जो स्पेसेस थी बढ़ गई, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आइटम्स हमारे सारे ठीक दिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐड टू कार्ट पे जब हम क्लिक करें तो इसका डेटा डिस्प्ले हो माई कार्ट वाले पेज पर एक टेबल में, ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में एक फ़ाइल ऐसी चाहिए जो ये मैनेज करे, ठीक है, यानी कि हमारे कार्ट को मैनेज करे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैनेज कार्ड डॉट पी एच पी, ये फ़ाइल हमारी क्या करेगी, मैनेज करेगी फॉर्म को। तो जब हमारा फॉर्म सबमिट हो, यानी कि ये जब फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट दे देते हैं, तो जब ये फॉर्म सबमिट हो तो इसका डेटा उठ के चला जाए मैनेज कार्ट वाले पेज पे, ठीक है। अब ये मैनेज कार्ड क्या करेगा वो अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो हमने कहा जब ये फॉर्म, यानी कि जो पहला वाला फॉर्म है, ये जब भी सबमिट होगा तो ये कहाँ पे जाएगा इसका डेटा, मैनेज कार्ड डॉट पी एच पी में। अब बाकी फॉर्म टैग में भी यही करेंगे हम, यानी कि इन सभी फॉर्म्स का जो डेटा है कहाँ जाए, एक्शन जिसका मैनेज कार्ड पे, ठीक है। बाकी की चीज़ों को हम कोलैप्स कर दे रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही दिखा रहे हैं। अब देखिए फ़िलहाल के लिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर यूआरएल में डेटा दिख रहा है और इधर ये ब्लैंक पेज दिख रहा है, यानी कि डेटा उठ के कहाँ पर आ रहा है, इस पेज पर आ रहा है। अब इस पेज पर क्या होना है वो अभी आपको आगे कोडिंग में देखिए। अब लेफ़्ट साइड वाले पैनल को हटाने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, ठीक है, तो ये पैनल हट गया। इसके बाद यहाँ पर हम पीएचपी की कोडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके जो मेन सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स, उसके अंदर लिखेंगे हम इफ़ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, यानी कि अगर फॉर्म का जो रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट है, क्योंकि फॉर्म टैग में एक मेथड एट्रीब्यूट होता है ना जो कि पोस्ट या गेट होता है, तो हमने कहा अगर पोस्ट है तो ये जो इफ़ ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देना। यानी कि देखिए जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो इस पेज पर हम आएंगे एक्शन के वजह से, क्योंकि एक्शन एट्रीब्यूट क्या करेगा, इस पेज पे पूरा डेटा भेजेगा, और इसके बाद इफ़ ब्लॉक चेक होगा। तो वो पहले चेक करेगा कि जो भी फॉर्म आ रहा है क्या उसका मेथड पोस्ट है या गेट है, तो अगर पोस्ट होगा तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा वो इफ़ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेथड दे देते हैं पोस्ट, और बाकी फॉर्म्स में भी हम यही करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सभी फॉर्म्स का जो सबमिट मेथड होगा वो क्या होगा, पोस्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक फॉर्म में जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है उसमें एक नेम दे देंगे, ठीक है, यानी कि इस बटन को एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पे बटन का नाम दे दिया हमने ऐड अंडरस्कोर टू कार्ट, ठीक है, इसी तरीके से। अब इसी तरीके से हर बटन में हम क्या करेंगे, एक नेम दे देंगे। नेम क्यों दे रहे हैं वो अभी जस्ट पता चल जाएगा आपको जैसे ही हम आगे की कोडिंग करेंगे तब, क्योंकि इसका यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इस बटन को एक नाम दे दिया, इधर भी इस बटन को नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम वापस चलते हैं मैनेज कार्ड पे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ इस सेट, क्या एक बटन क्लिक हुआ है, कौन सा बटन, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर ऐड टू कार्ट, यानी कि जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है क्या उसके अंदर एक बटन है जिसका नाम है ऐड टू कार्ट। अगर है और वो सेट है, यानी कि वो बटन क्लिक हुआ है, तो ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। इस सेट का काम होता है खाली ये चेक करना कि उस नाम का कोई वेरिएबल या इंडेक्स या वैल्यू कुछ भी वो मौजूद है या नहीं है, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पे क्या होता है, अब ये जब हम मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट, ठीक है, तो फॉर्म का जो डेटा होता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एरे में समा जाता है या फिर उसमें स्टोर हो जाता है। तो उसमें क्या स्टोर होता है, नेम और नेम की वैल्यू, ठीक है। नेम यानी कि जैसे आइटम नेम और उसकी वैल्यू सब हम इस एक्सेस कर पाएंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट, यानी कि क्या बटन क्लिक हुआ है ऐड टू कार्ट नाम का, यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं हम। अगर बटन क्लिक हुआ है तो क्या करो, ये वाला इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है, ये इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमने कहा कि अगर ऐड टू कार्ट वाला बटन क्लिक हुआ हो तो चेक करो इफ़ इस सेट डॉलर सेशन के अंदर एक कार्ट नाम का जो इंडेक्स है क्या वो सेट है, यानी कि सेशन के अंदर कोई कार्ट नाम का इंडेक्स सेट है या नहीं, ठीक है। सेशन क्या होता है वो बस थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए सेशन क्या होता है, सेशन के अंदर होता क्या है कि सेशन एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम दे दें या इंडेक्स दे दें, ठीक है, तो उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल पेजेस में, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डॉलर टी ले लिया, इसकी जो भी हम वैल्यू देंगे तो वो इस पेज तक सीमित है या इस ब्लॉक तक सीमित है। लेकिन सेशन वेरिएबल की खासियत यही है कि आप मल्टीपल पेजेस, जैसे ये पेज या ये पेज, इन सभी में से कोई भी पेजेस पर इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे, इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, या आप कह लें इसके इंडेक्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
तो उसको एक्सेस करने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए सेशन कार्ड या सेशन वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करने से जस्ट पहले आपको लिखना पड़ेगा सेशन स्टार्ट। अब जिस जिस पेज में हम लिखेंगे सेशन स्टार्ट, तो वहाँ पर हम सेशन का ये जो कार्ट वेरिएबल है इसको हम यूज़ कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम सेशन कार्ड के अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, ए या बी या कुछ भी, तो वो हम मल्टीपल पेजेस में जहाँ पे भी सेशन स्टार्ट लगाकर प्रिंट करना चाहें डॉलर सेशन का कार्ड, तो वहाँ पे ए या बी या जो भी वैल्यूज़ देंगे वो प्रिंट हो जाएंगी। इस वीडियो के साथ बने रहिए, बस कुछ देर में ही आपको इसका आउटपुट जब आपको दिखाएंगे अलग अलग पेजेस में चलाकर, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सेशन कैसे काम करता है। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। देखिए, एल्स सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि सेशन के अंदर कार्ट नाम का इंडेक्स सबसे पहले तो सेट है नहीं, हमें सेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि एल्स में क्या करो, अगर कार्ट सेट नहीं है कार्ट नाम का इंडेक्स, तो उसको सेट कर दो और उसके ज़ीरो इंडेक्स पर आइटम्स की डिटेल को स्टोर करा दो। यानी कि जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो कंडीशन चेक होगी कि या सेशन के अंदर कार्ट नाम का कोई इंडेक्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से तो नहीं होगा। तो होगा क्या, हम उसको सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने कहा सेशन का कार्ट का इंडेक्स सेट करो और उसके ज़ीरो पोजीशन पे एक एरे स्टोर कर दो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि आइटम का नाम, प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पर हम एसोसिएटिव एरे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। तो की दे दिया है हमने आइटम नेम, और वैल्यू दे देंगे हम डॉलर पोस्ट का आइटम नेम, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पोस्ट वेरिएबल में आइटम नेम है और की का नाम सेम हो, ठीक है। तो आइटम नेम सेम होना ज़रूरी नहीं है, हमने बस इसको इसलिए दिया है जिससे हम चीज़ों को याद रख सकें, ठीक है। कॉमा, अब हम दूसरी की दे देते हैं प्राइस, ठीक है। इस जो की होती है उसकी हेल्प से हम एरे को एक्सेस कर पाएंगे, तो हमने कहा दूसरी की दे दो प्राइस और उसकी वैल्यू दे देना डॉलर पोस्ट का प्राइस। और तीसरा इंडेक्स हम दे देंगे क्वांटिटी, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 1। ये जो डॉलर पोस्ट के अंदर इंडेक्स दिया है हमने आइटम नेम या प्राइस, ठीक है, ये डॉलर पोस्ट है क्या? असल में ये वही है, फॉर्म हमारा, फॉर्म का जो डेटा है वो डॉलर पोस्ट की हेल्प से ही हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जो कि सबमिट हो रहा था। अब यहाँ पे इसके नीचे हम एक काम करते हैं, इसी सेशन के कार्ड को प्रिंट कर देते हैं। यानी कि इस सेशन के अंदर ये जो कार्ड नाम का जो इंडेक्स है, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जिस भी इंडेक्स पे, वो सब प्रिंट हो जाए। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट पहले। अब देखिए, मान लेते हैं बैग वन के ऐड टू कार्ट पर हमने क्लिक किया, तो देखिए हुआ क्या, सेशन का जो कार्ट है वो प्रिंट हो गया, एक एरे जिसके ज़ीरो इंडेक्स पर एक एरे स्टोर है, ठीक है। सेशन कार्ड भी अपने आप में एक एरे है, ठीक है। तो इसके सेशन कार्ड बस ऐसे समझ लीजिए कि उसके ज़ीरो इंडेक्स पर एक एरे है जिसका नाम, जिसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, आइटम नेम, बैग वन, प्राइस 450, क्वांटिटी 1, ठीक है। कार्ट के ज़ीरो इंडेक्स पर एक एरे स्टोर है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब ये तो हो गया एल्स पार्ट। अब क्या हो गया है कि सेशन हमारा सेट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि सेशन का जो कार्ट है वो सेट है, ठीक है। अब हमने कहा कि सबसे पहले काउंट करो कि सेशन के कार्ट में कितने आइटम्स हैं, तो अभी के लिए तो एक ही आइटम है जो कि ज़ीरो इंडेक्स पर है, ठीक है। तो सेशन का कार्ट पे एक ही आइटम है जो कि ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स वाला। अब उसको स्टोर करा दो काउंट नाम के वेरिएबल में। तो काउंट फंक्शन का काम होता है काउंट करना नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, जो प्रेजेंट होंगे शॉपिंग कार्ट में। ये हमारा कार्ट नाम का इंडेक्स है, तो इसमें एक ही इंडेक्स इसको मिलेगा ज़ीरो वाला, ठीक है। तो उसको ये 1 जो है आके स्टोर हो जाएगा डॉलर काउंट के अंदर। तो अब जो नेक्स्ट आइटम होगा वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, अगले इंडेक्स पर, यानी कि ज़ीरो के बाद जो आता है 1 पे होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्सिंग की शुरुआत हमेशा एरे में ज़ीरो से होती है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमने ज़ीरो से स्टार्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट में क्या दे देंगे, अब काउंट में क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, क्योंकि एक ही आइटम प्रेजेंट है शॉपिंग कार्ट में जो कि एक एरे है। तो एरे के आइटम्स को अलग अलग नहीं काउंट किया जाएगा 1, 2, 3, 4, बल्कि एरे को सिंगल एंटिटी कंसिडर की जाएगी। अब हमने कहा कि सेशन का जो कार्ट है उसके डॉलर काउंट वाले इंडेक्स पर फिर से आइटम के एक एरे को स्टोर करा दो, यानी कि आइटम्स की डिटेल स्टोर करा दो। तो ये एरे को हम फिर से करेंगे कॉपी और ऊपर ले जाके कर देंगे पेस्ट। तो अब क्या होगा, अब सेशन के कार्ट के अंदर, यानी कि जो कार्ट है सेशन कार्ट, उसके काउंट इंडेक्स पे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, काउंट जब करेगा तो 1 रिटर्न करेगा, तो 1 पे क्या आ जाएगा, आइटम नेम, आइटम का प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, जो भी नया आइटम हम जो है सबमिट करेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी फॉर्म सबमिट होगा उसका नेम, प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी फर्स्ट इंडेक्स पर। इसके बाद हम सेशन के कार्ट इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आर, ठीक है, ये एरे को प्रिंट करने के लिए होता है।
सेशन का कार्ड, यानी कि कार्ड के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको प्रिंट कर दो। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो इधर से बैक आएंगे, ठीक है, पेज को रिफ्रेश किया, अब ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, तो देखिए जीरो इंडेक्स पे जो आइटम था वो है प्लस फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि पहले इंडेक्स पर, सेशन कार्ड के पहले इंडेक्स पर क्या आ गया, एक और एरे आ गया जिसमें आइटम नेम है, उसका प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है। तो इस तरीके से आगे काउंट कर करके हम जो है सेशन के अंदर अलग अलग आइटम्स को ऐड करा सकते हैं। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आइटम पहले से ही प्रेजेंट हो कार्ड में, फर्स्ट टाइम क्या होगा आइटम ऐड किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा काउंट करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या आइटम पहले से ही प्रेजेंट है कि नहीं, यानी कि इफ़ में अगर सेशन में कार्ड सेट है तो चेक करूँ क्या उसके अंदर एग्जिस्टिंग कोई आइटम ऐसा है जिसको हम ऐड कर रहे हैं फिर से। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एरे कॉलम। हमने कहा सेशन के कार्ड के अंदर जितने भी आइटम नेम्स हैं हमें उन्हें उठाकर एक जगह पे स्टोर करना है, तो एक कॉलम उठा लेंगे हम आइटम नेम नाम का। कहाँ से उठाएंगे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ड, यानी कि सेशन के कार्ड में से एक कॉलम उठा लेंगे आइटम नेम नाम का। ये जो फंक्शन है एरे कॉलम, ये करेगा क्या कि सेशन कार्ड के अंदर देखेगा कितने इंडेक्स हैं आइटम नेम नाम के, उनको क्या करेगा उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर देगा इस वेरिएबल में। यहाँ पे दे देते हैं माई आइटम्स, ठीक है, तो इस माई आइटम्स में क्या मिलेंगे हमारे पास, एग्जिस्टिंग आइटम्स जितने भी हैं, ठीक है, सेशन कार्ड के अंदर उन सभी के नाम। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, अगर हम इसको एको करेंगे तो एक एरे जिसमें होगा बैग वन बैग टू बैग थ्री, जितने भी बैग्स वगैरह कार्ड में ऐड किए होंगे वो सब। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमने कहा इफ़ इन एरे, यानी कि इन एरे का काम होता है एरे के अंदर किसी चीज़ को सर्च करना, यानी कि किसी स्ट्रिंग को या किसी भी चीज़ को सर्च करना एक एरे में। तो हमने कहा कि इन एरे, क्या एरे में एक चीज़ प्रेजेंट है, क्या चीज़, हमने कहा डॉलर पोस्ट का आइटम नेम, क्या डॉलर पोस्ट जो भी अभी नया नया आइटम कार्ट में आ रहा है क्या वो एरे में प्रेजेंट है, कौन से एरे में प्रेजेंट है, माई आइटम्स नाम के, ठीक है, ये जो डॉलर माई आइटम्स है इसमें अगर इस तरह का कोई भी आइटम प्रेजेंट है तो क्या करो एक अलर्ट शो कर दो। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन एरे का काम होता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना एरे में, ठीक है, तो एरे हमारा क्या था, माई आइटम्स का एरे था और जो वैल्यू सर्च करनी थी वो डॉलर पोस्ट आइटम नेम, यानी कि जो भी आइटम नेम फॉर्म की तरफ से आ रहा है वो था। तो अगर ये चीज़ सच हो जाए, यानी कि वो आइटम पहले से प्रेजेंट हो, तो एक स्क्रिप्ट प्रिंट कर दो, ठीक है, यहाँ पे हम अलर्ट दिखाएंगे, एको करेंगे स्क्रिप्ट टैग में अलर्ट, यहाँ पर अलर्ट में हम दिखा देंगे आइटम ऑलरेडी एडेड, और इसके बाद हम विंडो डॉट लोकेशन दे देंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी, यानी कि ये वापस अलर्ट दिखाने के बाद ये वापस चला जाए इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। विंडो डॉट लोकेशन से होगा ये कि हम अलर्ट दिखाने के बाद वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे इंडेक्स पेज पे, अब फिर से बैक टू को ऐड करते हैं, क्लिक करेंगे जैसे ही ऐड टू कार्ड पे, हम देखिए अलर्ट आ गया आइटम एडेड टू कार्ट। लेकिन एक चीज़ हो गई है कि आइटम, देखिए अलर्ट दिखाने के बावजूद आइटम क्या हो गया है, ऐड हो गया है कार्ट के अंदर, ठीक है, फिर भी हो गया, तो वो इस वजह से हुआ है क्योंकि विंडो डॉट लोकेशन सही से काम नहीं की, तो यहाँ पे इसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर हमें विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ लिखना है, ठीक है, इक्वल्स टू अब इंडेक्स डॉट पी एच पी, अब ठीक है ये अब काम करेगा। बैक आ जाएंगे, ठीक है, ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, आइटम ऑलरेडी एडेड, ठीक है, वापस आ गए इसी पेज पे। जल्दबाजी में हम एक चीज़ भूल गए, ये जो इमेजेस है ना ये सभी देखिए एक जैसी हैं, इसको हम चेंज करना भूल गए, तो एक काम करते हैं सारी इमेजेस को एक काम करते हैं एक एक करके चेंज कर लेते हैं, इसको टू कर देते हैं, यहाँ पे इसके बाद वाले को हम थ्री कर देंगे और इसके बाद वाले को जस्ट फोर कर देते हैं, ठीक है, फोर डॉट जे पी जी। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है हमें, चार बैग्स अलग अलग तरह के। अब देखिए फिर से आइटम वन पे क्लिक किया तो बैग वन एडिट था। अब एक काम करते हैं, ये जो प्रिंट करा रहे थे ना हम एरे, उसको हटा देते हैं, ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि हमें प्रिंट तो नहीं कराना है, वो तो हम बस आपको सिखाने के लिए बता रहे थे, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। और ये जो एको वाली स्क्रिप्ट है, जब आइटम ऐड करेंगे यानी कि जब आइटम एडिट होगा फर्स्ट टाइम तो भी दिखाना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में आएंगे, सेशन सेट करने के बाद एक अलर्ट दिखा देंगे कि आइटम एडेड है, ठीक है, तो इस ऑलरेडी को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी आपने अगर नोटिस किया था तो बैग टू फिर से दो बार एंटर हो गया था, ठीक है, सेशन के कार्ट में,
तो हमें क्या करना है, उसको हटाना है। तो उसको हटाने का सिंपल सा तरीका है, पहले एक काम करते हैं, आपको एक और प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम सेशन जितने भी सेट किए होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने कहा जैसे ही सेशन स्टार्ट हो तो सेशन को डिस्ट्रॉय कर डालो, जितने भी सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स या जो कुछ भी होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो इस क्वेरी को चलाने के लिए हमें फिर से आइटम को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, देखिए आइटम ऑलरेडी एडेड। अब की बार क्या हुआ है, सेशन का जो कार्ट है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि सेशन के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये क्वेरी चल चुकी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको अब यहाँ से चाहे हटा देना है, और अगर नहीं हटाना तो एक बार चेक कर लीजिए, देखिए आइटम एडेड दिखा रहा है इस बार, ठीक है, क्योंकि सारा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया था, सेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी। अब सेशन डिस्ट्रॉय को हटा देते हैं यहाँ पे। अब बाकी फिर से वापस चलते हैं अपने लेआउट पे, और सारे आइटम्स को हम इंडेक्स पेज पे ही प्रिंट करा देते हैं, जिससे चीज़ें बार बार हमें उस पेज पे जाके वापस आना पड़े। अब आइटम को ऐड करने की जितनी भी कोडिंग है वो एकदम सही सटीक काम कर रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बॉडी जैसे ही ओपन हो तो एक प्रिंट कर दो एक एरे, किस चीज़ का, यहाँ पे हम चाहते हैं सेशन का कार्ड प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब अपने इंडेक्स पेज पर चलेंगे, तो रिफ़्रेश किया तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन। पहली चीज़ तो ये सेशन को समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि सेशन को एक्सेस करने के लिए सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सेशन जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन स्टार्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब लेआउट को रिफ़्रेश किया तो देखिए अब अनडिफाइंड इंडेक्स बता रहा, यानी कि ऐसा कार्ट नाम का कोई इंडेक्स हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस सीधा आइटम को ऐड करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, देखिए सेशन का कार्ट सेट हो गया और उसके ज़ीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू आके स्टोर हो गई, ठीक है। टू पे क्लिक किया तो देखिए ये यहीं पे रह गया, क्यों रह गया, अब उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे आइटम ऐड हो रहा है इसके बाद एक स्क्रिप्ट मिसिंग है, यानी कि हमें फिर से इको कराना होगा स्क्रिप्ट टैग में अलर्ट और उसके बाद विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो अब जब आइटम ऐड होगा तो वापस अलर्ट भी शो होगी और ये वापस भी आएगा, ठीक है। तो एक बारी इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने ओरिजिनल पेज को, वापस आते हैं, ये देखिए तो आइटम ऐड हो चुका था, ठीक है, बस उसमें अलर्ट नहीं शो हुई थी और ये वापस भी नहीं आया था इंडेक्स पेज पे। अब दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आइटम ऑलरेडी एडेड टू कार्ट, देखिए फिर से आइटम एडेड हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एल्स लगाना होगा हमें, इफ़ अगर ऐसा है तो ठीक है आइटम ऑलरेडी एडेड है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं है एडेड तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब समझ गए, अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है, अगर आइटम एडेड नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसको रिफ़्रेश करने से पहले हम एक काम करेंगे, सेशन को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेशन डिस्ट्रॉय, क्योंकि जितने भी पुराने आइटम्स उनको तो हटाना होगा ना हमें इसको चेक करने के लिए फिर से। तो इसको रिफ़्रेश किया हमने और देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स कार्ट, ठीक है, कार्ट नाम का कोई भी इंडेक्स नहीं है। तो अब इसको हटा देते हैं। ये जो अनडिफाइंड इंडेक्स आ रहा है इसकी यही वजह है कि आइटम कोई भी कार्ट में नहीं है, कार्ट नाम का कोई भी वेरिएबल सेट है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम आइटम को ऐड कर रहे हैं या दोबारा उसी को ऐड कर रहे हैं तो अब सही से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आइटम को ऐड करना, तो देखिए सारी चीज़ें अब एकदम सही से काम कर रही हैं। बैग वन को तीन बार हमने ऐड करने की कोशिश की लेकिन वो ऐड नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, इंडेक्स वाले पेज में से जो हम प्रिंट कर रहे थे एरे को, ठीक है, ऊपर इसको हटा देते हैं और कार्ट पे आ जाते हैं, कार्ट वाले पेज पे। तो कार्ट वाले पेज की अब हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हेडर वाली फाइल जो हमने इंक्लूड कराई थी, इसके बाद हम एक बॉयलर प्लेट ले लेंगे HTML की, ठीक है, और इसको टाइटल दे देंगे एक कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सेशन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो जितने भी सेशन के आइटम्स हैं उनको उठाकर हमें इधर रखना रहेगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया सेशन को स्टार्ट। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हम एक लेंगे डिव जिसकी क्लास हम दे देंगे कंटेनर, ठीक है, और इसके बाद एक रो ले लेंगे, एक कंटेनर के अंदर एक रो। अब जो पहला कॉलम होगा हमारा उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 12 होनी चाहिए, कॉल LG यानी कि लार्ज डिवाइसेस में उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 12 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक हेडिंग देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माई कार्ट, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए कुछ ऐसे आउटपुट मिल रहा है हमें। अब इस पर थोड़ी सी और CSS लगा लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं यानी कि टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। एक बॉर्डर दे देते हैं, BG लाइट दे देंगे, इसको राउंडेड चाहिए मतलब कॉर्नर्स जो है हमारे कर्व होने चाहिए। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो
तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट मिला हमें। हेडिंग हमारी नैव बार से चिपकी हुई है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हमने कहा मार्जिन वाई यानी कि वर्टिकली, ठीक है, मार्जिन बढ़ा दो तो टॉप पे भी बढ़ जाएगी और बॉटम साइड पे भी बढ़ जाएगी मार्जिन। इससे पहले वाली कॉलम को हमने 12 विड्थ दी थी यानी कि जो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब जो कॉलम देंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, तो इसकी हमने दे दी है विड्थ 8। अब हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर हम सर्च बार पर सर्च करेंगे टेबल। तो ये आ गई हमारा टेबल वाला पेज। अब इसके नीचे हमें ये टेबल चाहिए, तो इसका कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने लेआउट पर आकर सीधा पेस्ट कर देंगे। अब बस इसका हमें क्या करना है, इंडेंट ठीक करना है। इसको इधर से बैकस्पेस और इसको सही कर लेते हैं। अब बाकी इसमें हमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, ये इसको बस हमें ऐसे एज इट इज़ देखना है पहले इसका आउटपुट। अब अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर इस विंडो पर आएँ और इसको रिफ्रेश किया। देखिए ये 8 ब्लॉक की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो भी चीज़ें काम की है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो टी हेड टैग के अंदर जो हेडिंग्स दी हुई हैं टी एच टैग के अंदर, ठीक है, टी हेड के अंदर जो टी एच है इसमें जो हेडिंग्स हैं इनको मॉडिफाई कर रहे हैं हम। आइटम नेम, इधर इससे पहले सीरियल नंबर, आइटम का प्राइस, फिर क्वान्टिटी, और इसके बाद एक और टी एच लेकर छोड़ देंगे हम। ये एक और कॉलम रहेगा जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा रिमूव बटन के लिए। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी और थोड़ी सी स्पेसेस आ गई हैं, ठीक है, क्वांटिटी के बाद। अब टी हेड टैग को हम कोलैप्स कर लेते हैं, इसके कंटेंट की हमें ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे बाकी जो टी आर टैग्स हैं यानी कि टेबल रोज हैं टी बॉडी में उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए, सिर्फ एक रो हमने छोड़ी थी तो एक रो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। हम चाहते हैं कि टेबल बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट हो वो सेंटर में अलाइन रहें, तो यहाँ पर हम एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो देखिए रिफ्रेश करने पे आउटपुट कुछ ऐसा है, ठीक है। अब जो हेड का कंटेंट है टेबल हेड का, उसको भी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको भी सेंटर में हम चाहते हैं, तो यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट सेंटर। अब इसका आउटपुट देखिए कुछ ऐसा दिख रहा। अब यहाँ पर हम इस टी आर टैग से पहले यानी कि जो बॉडी है बॉडी के अंदर, ठीक है, हम करेंगे क्या, पी एच पी की एक स्क्रिप्ट लेंगे हम, यहाँ पर एक लूप चलाएँगे फॉर ईच, ठीक है। हमने कहा फॉर ईच में सेशन के कार्ड को पास करो वन बाई वन, उसका इंडेक्स पास करो डॉलर की में, ठीक है, और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू सेव हो जाए डॉलर वैल्यू में, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डॉलर सेशन का इंडेक्स वन बाई वन पास होगा डॉलर की में, ठीक है, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो पास होगी डॉलर वैल्यू में। अब ज़रा मैनेज कार्ड वाले पेज पर चलते हैं, देखिए इसको समझ लेते हैं क्लियरली एकदम। ये जो कार्ड का जीरो इंडेक्स है ना ये पास हो जाएगा डॉलर की में, और ये जो एरे है वो एरे पास हो जाएगा हमारे डॉलर वैल्यू में। तो हमने कहा कि जब वन बाई वन चीज़ें पास हो तो एक काम करो उसको एको कर दो। एको कर देंगे किस में, एक टी आर टैग में, यानी कि एक टेबल की रो हम प्रिंट करेंगे जिसके अंदर ढेर सारे टी डी होंगे। टी डी यानी कि टेबल के जो डेटा आइटम्स होंगे। यहाँ पर हम 5 टी डी टैग लेंगे, ठीक है, जिसमें हम सीरियल नंबर, नेम, प्राइस, क्वान्टिटी और रिमूव बटन प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर हम पहले टी डी टैग में जो सीरियल नंबर है वो देते हैं 1। एक काम करते हैं ऊपर एको करने से पहले यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं डॉलर वैल्यू, हम देखें तो आखिर वैल्यू में रहेगा क्या। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स कार्ट। अब कार्ट नाम का कोई इंडेक्स सेट ही नहीं है असल में, इसलिए ऐसी एरर आ रही है। तो हमें करना क्या है, हमने कहा इफ़ कंडीशन चेक करो कि अगर कार्ट नाम का कोई इंडेक्स सेट हो तब तो ये लूप जो है चलेगा, यानी कि आइटम्स प्रिंट होंगे, वरना कुछ भी प्रिंट मत करना। इस कोड का मतलब क्या है कि इफ़ अगर इस सेट कार्ट नाम का कोई भी सेशन में इंडेक्स सेट है तो ये फॉर ईच को कॉल करो या फिर एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो इसको पूरा इफ़ के अंदर रख देते हैं, ठीक, तभी ये कॉल होगा, तभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, वरना कोई एरर नहीं तो दिखेगी नहीं। अब हमें देखिए अब कोई एरर नहीं दिख रही है क्योंकि वो फॉर ईच कॉल ही नहीं हुआ। यहाँ पर आइटम ऐड किया हमने कार्ट में, अब माई कार्ट पर जाते हैं तो देखिए ऊपर आइटम प्रिंट होकर आ रहा है, आइटम नेम, बैग वन, प्राइस और क्वान्टिटी, ठीक। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ सीरियल नंबर के अंदर प्रिंट कराना है। अब जो टेबल रो में हमने जहाँ पे 1 प्रिंट कराया है इसके नीचे हम प्रिंट करा देते हैं डॉलर वैल्यू का आइटम नेम, यानी कि आइटम का जो भी नाम है वो प्रिंट हो जाए। हमने अभी तक देखिए डॉलर वैल्यू जब प्रिंट कराई थी तो वो पूरा इंडेक्स प्रिंट कर रहा था, आइटम नेम, क्वान्टिटी, प्राइस सब कुछ। तो हमने कहा वैल्यू का सिर्फ आइटम नेम प्रिंट कर दो। और अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो आइटम नेम की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए आइटम नेम इंडेक्स था, उसको प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब सेम इसी तरीके से बाकी चीज़ों को हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ से टी आर टैग हटा देते हैं,
क्योंकि इसका भी हमें कोई काम नहीं था, हम बस आपको लेआउट दिखाना चाहते थे कि यह कैसा दिखेगा। अब यहाँ पर हमें काम करते हैं सेकंड वाली जो टीडी है इसमें प्रिंट कर लेंगे प्राइस, डॉलर वैल्यू का प्राइस इंडेक्स प्रिंट कर दो। अब इस वाले टीडी में हम क्या करेंगे कि इनपुट टैग लेंगे, ठीक है, जिसका टाइप होगा नंबर, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देनी है, क्वांटिटी देनी है, तो क्वांटिटी घटा बढ़ा भी सकते हैं हम, तो इनपुट टाइप नंबर ले लेंगे। और यहाँ पे इसमें जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रहेगी, देखिए मिनिमम हम चाहते हैं क्वांटिटी रहे 1, ठीक है, और मैक्सिमम चाहते हैं रहे 10, ठीक है, 10, 12, 20 जितना आप चाहें वैसे दे सकते हैं। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी वो रहेगी वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, डॉलर वैल्यू का क्वांटिटी। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने तो प्राइस भी आ गया और क्वांटिटी। अब ये इनपुट टैग है हमारा, इससे हम क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इसको एक क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, जिससे जो 1 लिख कर आ रहा था वो सेंटर में अलाइन हो जाए। देखिए रिफ्रेश किया तो देखिए ये भी सेंटर में अलाइन हो गया, तो अब इसको हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट वाले टीडी टैग में हम एक बटन दे देंगे जो कि हमारा रिमूव बटन होगा, तो यहाँ पर इसके अंदर लिख देते हैं रिमूव, और इसकी क्लास हम दे देंगे btn, और एक और क्लास दे देंगे btn outline danger। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो रिफ़्रेश करने पे देखिए एक बटन आ गया, तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करना, तो इसमें एक क्लास दे देंगे btn sm। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो रिफ़्रेश करने पे देखिए बटन छोटा हो गया। अब यहाँ पे जो एको से पहले हमने प्रिंट आर लगाया था फंक्शन, इसको हटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। तो अब लेआउट को अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए एकदम क्लीन एंड क्लियर लेआउट हमें मिल रहा है हमारा। यहाँ पे काम करते हैं, होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, बैक टू आइटम एडेड, ठीक है, इधर माई कार्ड पे आएँ तो देखिए यहाँ पे आइटम एडेड दिखा रहा है, ठीक है। वापस होम पे जाएंगे, फिर से काम करते हैं, बैक टू को ऐड करते हैं या बैक वन को ऐड करते हैं, आइटम ऑलरेडी एडेड, ठीक है, तो आइटम देखिए इस बार पहले से ही प्रेजेंट था तो कुछ भी नहीं आया। तो अब ये हमारा जो कोडिंग वगैरह है और प्रिंटिंग है दोनों साइड की एकदम सही काम कर रही है। अब हमें फाइंड करना है टोटल, यानी कि जितना भी प्राइस, अभी तक तो हम इंडिविजुअल दिखा रहे थे आइटम का प्राइस, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल प्राइस ही पता करना है। तो यहाँ पे एकदम ऊपर स्क्रिप्ट टैग पे एक टोटल दे देते हैं 0, बाय डिफ़ॉल्ट टोटल रहे 0। लेकिन अगर सेशन का कार्ट में कोई वैल्यू है, यानी कि सेशन का कार्ट एम्प्टी नहीं है, तो टोटल में क्या करो, प्रिंट करने से पहले जो टोटल है टोटल में ऐड कर दो वो प्राइस जो भी पास हो रहा। तो ये लूप, अगर आपको लूप की स्टडी होगी अच्छे से, तो हर बार क्या होगा, हर आइटम का प्राइस बार बार आकर टोटल में ऐड होता जाएगा, तो जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उनका जो प्राइस होगा फाइनल वो आके टोटल में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस डिव के बाहर हम एक डिव लेंगे जिसकी डिव डॉट कॉल LG बचा हुआ 4, ठीक है, 4 विद बचेगी क्योंकि टोटल 12 होती हैं, तो 8 हम पहले से दे चुके हैं कॉलम की विद, तो यहाँ पे 4 दे दिया। अब इसके अंदर एक हेडिंग दे दी हमने H3 टैग टोटल, ठीक है, कोलन, और उसके बाद एक नीचे हेडिंग दे देंगे H5 की, यहाँ पे डॉलर PHP के अंदर एको कर देंगे डॉलर टोटल को, ठीक है, एको करना है हमें इसे, यानी कि जो टोटल जितना भी आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो जैसे ही पेज को रिफ़्रेश किया तो देखिए टोटल 1100, ठीक है, इन दोनों का टोटल देखिए करेंगे तो क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो हर बार जो प्राइस था एक एक आइटम का वो टोटल में आके स्टोर हो रहा था। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी हेडिंग थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, इधर H4 और इसको H4 टैग कर देते हैं, और इधर H6 टैग कर देते हैं, लेकिन शायद H6 टैग थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं H5 ही रहने देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को H4 टैग। अब इन दोनों जो हेडिंग्स हैं हमारी, इनको एक डिव में रख लेंगे हम, यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है, इसका अलाइनमेंट सही कर दिया। अब यहाँ पे इस डिव पर हम कुछ CSS लगा देंगे, तो हमने कहा क्लास, इस क्लास में क्या दे देंगे हम, देखिए सबसे पहले हमने कहा बॉर्डर चाहिए हमें, बॉर्डर राउंडेड होना चाहिए, प्लस BG कलर लाइट होना चाहिए, यानी बैकग्राउंड कलर लाइट हो जाना चाहिए। इसका आउटपुट देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो H5 टैग है इसको राइट साइड अलाइन कर देते हैं, और इधर हमने क्या कर दिया इस डिव में पैडिंग दे दी है, ठीक है, P4, यानी कि हर डायरेक्शन से पैडिंग 4 लेवल की, और यहाँ पे H5 की क्लास में दे दिया है टेक्स्ट सेंटर, सॉरी टेक्स्ट राइट। तो इसका आउटपुट देखिए फाइनल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो टोटल वाले कॉलम की विड्थ है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, काम करते हैं इसको कॉलम 9 की स्पेस दे देते हैं और इसको 3 की स्पेस दे देते हैं, तो 9 × 3 = 12 होता है, देखिए अब थोड़ा सा ये ठीक दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यही चल जाएगा। अब
अब टोटल के नीचे हम चाहते हैं एक फॉर्म हो जिसके अंदर एक बटन होना चाहिए जो कि हमारे इस पूरे कार्ड के आइटम्स को सबमिट करेगा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पे। तो इस बटन का नाम दे देते हैं मेक पेमेंट या मेक परचेज, ठीक है। तो मेक परचेज, अब इसमें क्लास दे देते हैं, क्लास दे दिया BTN प्राइमरी, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और BTN ब्लॉक, यानी कि ये ब्लॉक लेवल की स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो अब इसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हेडिंग 5 के नीचे एक BR टैग दे देते हैं जिससे जो हमारा बटन है थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो देखिए रिफ्रेश करने पे कुछ ऐसा दिखा हमें। अब यहाँ पर हम चाहते हैं फॉर्म टैग के अंदर कुछ ऑप्शंस दे दें, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, किस तरीके की पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है आपको वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सर्च बार में हमने दे दिया चेकबॉक्स या रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स हमें देखना है तो नीचे स्क्रोल कर लेते हैं, देखते हैं रेडियो बटन्स ये रहे। तो इसको कोड को कर लेंगे हम कॉपी और अपने लेआउट पर आएंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अभी इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको कोलैप्स कर लेते हैं, इस नीचे वाले को भी कोलैप्स कर लेते हैं। इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं कि आखिर में दिख कैसा रहा है। तो इस कार्ड पेज पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये आउटपुट दिख रहा है इसका। तो एक काम करते हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको रख लेंगे, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। तो इस वाले को रख लिया हमने मान लीजिए, ठीक है, इसमें चीज़ों को एडिट करना है हमें तो एडिट कर देते हैं। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लेबल का नाम हमने दे दिया है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि फ़िलहाल के लिए हमें एक ही आइटम देना है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, ठीक है। तो इधर BR टैग लगा दिया है, तो देखिए थोड़ा सा नीचे और आ गया। अब हमें रिमूव बटन के लिए कोडिंग करना है, तो इसको वापस खोल लेते हैं इस कॉलम को, ठीक है। इसके अंदर देखिए हमारा बटन है, तो इस TD टैग को, यहाँ पे जो बटन टैग है ना, ये असल में रहेगा फॉर्म टैग के अंदर, क्योंकि बटन ऐसे तो काम करेगा नहीं कुछ। तो ये एक तरह का फॉर्म होगा जो सबमिट होगा, तो फॉर्म टैग के अंदर इस फॉर्म को रख देते हैं। यहाँ पे फॉर्म में हम एक्शन दे देंगे मैनेज कार्ड, ठीक है, यानी कि इसका भी डेटा कहाँ पे जाएगा, इस फॉर्म का डेटा मैनेज कार्ड पे जाएगा, ठीक है। तो मैनेज कार्ड .php पे जाएगा। अब इस बटन को एक नाम दे देते हैं जिससे इसकी पहचान हो जाएगी, जब ये क्लिक हो तभी कोई स्क्रिप्ट चलेगी रिमूव करने के लिए। तो इस बटन का नाम हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए रिमूव, ठीक है, _item। और इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप हिडन फिर से हम लेंगे, ठीक है, जो कि मौजूद होगा लेकिन दिखाई ना दे। हमने कहा इनपुट टाइप हिडन में क्या दे दो, आइटम का नाम दे दो और एक इंडेक्स दे दो, ठीक है। अब नाम क्यों दे रहे हैं और इंडेक्स क्यों दे रहे हैं, देखिए इंडेक्स से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि नेम प्रॉपर्टी से, और इसमें वैल्यू देने से हमें ये रहेगा ना कि किस वाले को मतलब डिलीट करना है, किस आइटम को डिलीट करना है। तो हमने कहा उसका नाम पास कर दो जिस आइटम को डिलीट करना है, तो वो आइटम हम कार्ड से निकाल देंगे, यानी कि जो सेशन वेरिएबल है उसमें से हटा देंगे। और यहाँ पे मेथड हम दे देंगे पोस्ट, यानी कि जो सबमिट करने का मेथड होगा वो होगा पोस्ट, ठीक है। तो यानी कि डेटा जो होगा URL से नहीं जाएगा। अब हम आ जाते हैं मैनेज कार्ड वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, जब इफ़ इस सेट, यानी कि जब ऐड टू कार्ड बटन क्लिक होगा, ठीक है, अगर कार्ड बटन सेट है ऐड टू कार्ड वाला, तब वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे दूसरा दे देते हैं कंडीशन, हमने कहा इफ इस सेट $post में रिमूव आइटम नाम का बटन अगर क्लिक हो रहा है, यानी कि $post में कोई भी वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं उनमें अगर एक इंडेक्स है रिमूव आइटम नाम का, तो ये वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देना। वो वाला किस लिए था, वो ऐड टू कार्ड बटन के लिए था, तो यही नाम था ना रिमूव आइटम, ठीक है। तो जब ये रिमूव आइटम वाला क्लिक होगा तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक लूप, हमने कहा फॉर ईच, ठीक है, $session का कार्ड, यानी कि एक एक बार एक एक करके वन बाय वन कार्ड के आइटम को क्या करो, इसमें पास कर दो, किस में पास कर दो, $key में, ठीक है। और उन आइटम्स को फिर हम क्या कराएंगे, एको करा लेते हैं एक बार कि देखें कि क्या आइटम्स आ रहे हैं। तो हमने $key को एको कराया, पेज रिफ्रेश किया, रिमूव पे क्लिक किया, तो देखिए एक तरह की नोटिस आ रही है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि हम एक एरे को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एको की हेल्प से। तो यहाँ पर हमें प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, हम फॉर्म को फिर से सबमिट कर रहे हैं, तो देखिए इस बार पूरा पूरा एरे आ गया, ठीक है। तो हमें एरे नहीं चाहिए, हमें इंडेक्स चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स नहीं प्रिंट हो रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल और $value। अब जब हम की को प्रिंट करेंगे तो इंडेक्स पास होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इंडेक्स मिलेगा, यानी कि 0 और 1। तो इस इंडेक्स की हेल्प से हम आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस इंडेक्स पे एक एरे होगा जो आइटम की डिटेल रखेगा, तो हम उस इंडेक्स को हटा देंगे। तो इंडेक्स हटाने के लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं हम, अनसेट। अनसेट करना है, किसे अनसेट करना है, हमने कहा $session के कार्ड के अंदर $key को, यानी कि इस इंडेक्स को हटा दो आप,
इस पूरे जीरो इंडेक्स या वन इंडेक्स जो भी होगा उसको हटाना। तो इंडेक्स कैसे हटाएंगे, किस बिहाफ पे हटाएंगे, उसके लिए भी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कहा इफ़, हमने कहा अगर आइटम नेम जो भी वैल्यू के अंदर है, ठीक है, वैल्यू के अंदर जो आइटम नेम वन बाई वन पास हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, मैच कर रहा है हमारे डॉलर पोस्ट के आइटम नेम से, यानी कि जो भी रिमूव बटन वाला आइटम नेम है, ठीक है, इनपुट टाइप हिडन के, तो उससे अगर मैच कर रहा है तो क्या करो, उस इंडेक्स को ही हटा दो आप। ठीक है, यानी कि वन बाई वन सारे आइटम नेम पास हो रहे होंगे, ठीक, तो जैसे ही वो मैच कर जाएंगे तो उस जिस भी इंडेक्स का वो आइटम नेम होगा वो पूरा इंडेक्स डॉलर की, इसीलिए हम हटा देंगे। ठीक है, तो उसका प्राइस वगैरह हर चीज़ हट जाएगी क्योंकि उसका पूरा इंडेक्स हम हटा दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई इंडेक्स जैसे ज़ीरो रिमूव हो गया, लेकिन ज़ीरो इंडेक्स अगर रिमूव हो गया तो वन वाले पे तो आइटम है, तो ये तो गलत तरीका है ना, इंडेक्सिंग की शुरुआत तो ज़ीरो से होती है, तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो वन इंडेक्स पे है उसको वापस ज़ीरो पे ले आओ। तो हमने कहा सेशन का कार्ट इक्वल्स टू एरे वैल्यूज़, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सेशन का कार्ट, ये असल में रीअरेंज कर देगा हमारे एरे को। ठीक है, वन बाय वन ये प्रिंट करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ज़ीरो इंडेक्स तो गया तो फर्स्ट वाले इंडेक्स को प्रिंट करेगा और सेशन के कार्ट पे ला के रख देगा। बस आप यूँ समझ लीजिए कि इसका काम होता है एरे को वापस से रीअरेंज करना, ठीक है, एक अच्छे ऑर्डर में, जब आपका बीच का इंडेक्स कोई भी गायब हो जाएगा तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी एरे वैल्यूज फंक्शन मतलब, ये उसको रीअरेंज कर देगा। आइटम को रिमूव करने के बाद और सेशन को वापस सही करने के बाद, यानी कि अरेंज करने के बाद एक सही ऑर्डर में, हम क्या करेंगे कि एक एको करेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में हम अलर्ट दिखाएंगे और वापस अलर्ट पे जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हम वापस चले जाएंगे उसी पेज पे जिस पेज से हम आए थे, यानी कि माई कार्ट वाला पेज। यहाँ पर हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ का यूज़ करेंगे फिर से रिडायरेक्ट करने के लिए। अब एक काम करेंगे, हम अपने लेआउट पर आएंगे, इधर से वापस आते हैं, ठीक है, अब रिमूव बटन पे क्लिक करते हैं रिफ़्रेश करने के बाद। ये क्लिक किया, अलर्ट मिला, आइटम रिमूव हो गया, देखा टोटल भी देख सकते हैं 650 था, अब ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो ऐड टू कार्ट वाला जो बटन वगैरह है वो भी एकदम सही से काम कर रहा है, रिमूव बटन भी काम कर रहा है, आइटम देखिए यहाँ पे ऐड किया हमने, इधर से रिमूव कर सकते हैं अब हम, लेकिन सेशन का जो कार्ट है यहाँ पे देखिए आइटम ज़ीरो दिखा रहा अभी भी, तो इसको ठीक करना है हमें। अब एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं इधर कंट्रोल बी दबाकर हेडर के अंदर, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला पैनल कंट्रोल बी से ओपन होता है और क्लोज़ होता है। ये जो ज़ीरो है ना, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, ठीक है, ये जो ज़ीरो है इसकी जगह पे हम चाहते हैं डायनेमिकली जितने भी आइटम ऐड होते रहें वो प्लस माइनस होता रहे, यानी कि आइटम वन ऐड है, टू ऐड है, तीन आइटम ऐड हैं, तो वो चीज़ें दिखाती रहें। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट ओपन कर लेंगे पीएचपी की, और यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे कि सेशन के कार्ड के अंदर, यानी कि सेशन के कार्ड के अंदर कितने आइटम्स हैं। हमने कहा इफ़ इस सेट सेशन का कार्ड, यानी कि चेक करो क्या सेशन में कार्ड नाम का कोई इंडेक्स सेट है, अगर है तो एक काम करो काउंट फंक्शन चला दो, ठीक है, काउंट करो कि उस कार्ड के अंदर कितने आइटम्स हैं और उसकी वैल्यू, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू होगी कितने भी आइटम्स होंगे उसको स्टोर करा देना डॉलर काउंट में, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स आके स्टोर हो जाएंगे। इसको पीएचपी के स्कोप के एकदम बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे क्योंकि अगर ये इफ़ के अंदर डिक्लेयर्ड रहेगा तो हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे इधर साइड माई कार्ड के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो दे दिया है हमने काउंट की, ठीक है, अब यहाँ पे एको कर देते हैं डॉलर काउंट, अगर आइटम नहीं होंगे, ठीक है, कार्ड सेट नहीं होगा तो ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, अगर कार्ड में आइटम होंगे तो वन टू थ्री फोर प्रिंट होगा। अब एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, हेडर पे हमने क्या नहीं किया है पता है, सेशन को स्टार्ट नहीं किया है, तो ये कैसे सेशन का कार्ड जो है ढूंढेगा या सेट करेगा या चेक करेगा। यहाँ पर हम हेडर पे ऊपर आएंगे और लिख देंगे पहले ही पीएचपी के स्क्रिप्ट में सेशन स्टार्ट, जिससे हम सेशन के जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। अब एक एरर हमें मिलने वाली है, देखिए सेशन होता क्या है कि एक ही बार स्टार्ट किया जाता है, मल्टीपल पेजेस में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दो बार तीन बार नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अब हेडर में जब हम स्टार्ट कर देंगे और हेडर इंक्लूडेड है माई कार्ट और इंडेक्स वाले पेज में, तो एरर मिलेगी हमें अभी एक, ठीक है, देखिए सेशन एरे या सेशन स्टार्ट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन पहले से ही कॉल किया जा चुका है, तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हेडर में हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं सेशन, तो इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो इधर से भी सेशन स्टार्ट हटा देते हैं हम। अब हम अपने लेआउट पर चलेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो देखिए माई कार्ट में जो भी आइटम्स वगैरह हम ऐड करेंगे तो इधर काउंटिंग भी घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है, देखिए दो आइटम्स आ गए, तो अगर इधर रिमूव करेंगे तो आइटम कम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐड करने पर बढ़ेगा ही सिर्फ,
ठीक है, इसको एक और ऐड कर लेते हैं कोई आइटम, या एक और रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब तक हमने 3 आइटम्स को ऐड कर लिया है अपने कार्ट में, और यहाँ पे देखिए माई कार्ट में दिया हुआ है ब्रैकेट में 3, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम रिमूव करना चाहें, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की तो सीरियल नंबर देखिए सभी में 1-1 दिखा रहा है, इसको हम ठीक करना भूल गए। बाकी टोटल वगैरह और बाकी चीज़ें देखिए एकदम सही काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस आइटम को भी अगर हम रिमूव करना चाहें तो क्लिक करके रिमूव कर देंगे, तो कार्ट में अब देखिए 0 आइटम है, ठीक है। अब ये सीरियल नंबर वाला जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे माई कार्ट वाले पेज पर आएंगे, और देखिए जहाँ पर हम फॉर ईच लूप लगाए हुए हैं उसमें जो डॉलर की आ रहा है, ठीक है, जैसे की 0 से स्टार्ट होगी, उसमें अगर हम 1 ऐड करा करा कर प्रिंट करा देंगे TD में, यानी कि टेबल डेटा में, ठीक है, तो हमारा काम सारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डॉलर SR इज़ इक्वल्स टू की प्लस 1। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे डॉलर SR, ठीक है। हर बार जो भी की आएगी, की मतलब की वैल्यू या इंडेक्स की वैल्यू 0 आई या 1 आई, तो उसमें बस 1 ऐड होकर सही से प्रिंटिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर लिया है हमने, ठीक है, तो इसका आउटपुट देखिए अब 1, 2 सही से सारी नंबरिंग हो रही है। इसको रिमूव कर देंगे तो 1 मिलेगा, इसको भी रिमूव कर देंगे अगर, तो देखिए पूरा कार्ट हमारा खाली हो गया है, ठीक है, टोटल भी 0 दिखा रहा था। यहाँ से हम चाहें तो अब आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, तो जो हमारा शॉपिंग कार्ट है वो कम्प्लीट हो गया है, बन गया है। अब इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो आपको शुरुआत में ही हमने फाइनल आउटपुट दिखा दिया था, देखिए आइटम 1 एडेड, ठीक है, इसको ओके किया। इसके बाद माई कार्ट में आते हैं, इसको चेक किया, ठीक है, मिल गया हमें इसका प्राइस वगैरह, आइटम नेम, सीरियल नंबर, सब कुछ मिल गया है, ठीक, टोटल प्राइस भी मिल गया है। उसके अलावा अगर बाकी आइटम्स को ऐड करना है इधर से हम ऐड कर सकते हैं।